करुणाकरसूरीन्द्र गुरुवर्यपदाम्बुजां नवनीतनटोत्तम सां गुरुपंक्ति श्रियन्नु महा श्रीमते श्रीलक्ष्मीन्द्र सिंहदिव्यपादुका सेवक श्रीवंशटकोप श्रीनारायण यतीन्द्र महादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीवंशटकोप श्रीरंगनाथ यतीन्द्र महादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीसौम्यनारायणार्य महादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीसारनाथार्य महादेशिकाय नमः कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलं गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशं अक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितं अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं अपि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। नमस्ते भाई, रामायण की कथा जो हम सुन रहे थे पिछले हफ्ते, वो भगवान की कृपा से आज वापस शुरू हो रहा है। भगवान की लीला भी अपरंपार है, उनकी इच्छाएं हमारी समझ में नहीं आती। बात यह है कि ऐसा नहीं सोचा था कि ये प्रवचन बीच में रुक जाएगा, लेकिन किसी अनअवॉइडेबल परिस्थिति के कारण वो रोकना पड़ा। वो आज समझ में आ रहा है क्यों। ये जो दर्शन सामने मिल रहा है इसको देखकर, इस दर्शन में सीताराम जी के विवाह का जो दर्शन हमें दिख रहा है, उस दर्शन में शायद प्रवचन सुनना चाहते थे भगवान। अगर वो खत्म हो जाता तो आज प्रवचन नहीं होता। तो भगवान की यही इच्छा है कि इस अच्छे सुंदर दृश्य में वे उन्हीं की कथा को इस बालक के मुख से सुने। इसलिए प्रवचन हम वापस शुरू करते हैं। जब हम देख रहे थे कि राम जी वनवास के लिए निकल गए और सारी अयोध्या नगरी के सारे लोग उनके पीछे पीछे चले गए, उनको किसी तरह चकमा देकर राम जी निकल गए और श्रृंगिबेरपुर में पहुंचकर उनके मित्र निषादराज गुह से जा मिले। और गुह जी ने कैसे उनका उपचार किया ये हमने देखा, और गुह जी को किस तरह से राम जी ने आलिंगन करके ये साबित किया कि जितने भी बड़े भगवान हो, भक्तों के लिए नीचे उतर कर आते हैं। ऐसे सौशील्य स्वभाव के साथ भगवान राम उधर गुरु जी के पास गए और फिर उधर से निकल के आगे चलकर भरद्वाज महर्षि के आश्रम में जा पहुंचे। अब ये सब हुआ, इधर वनवास में ठीक कट रहा है राम जी का। पीछे अयोध्या में क्या हुआ ये देखना जरूरी है। राम जी के जाने के बाद कहते हैं कि दशरथ जी का हालत कुछ ठीक नहीं था। 4-5 दिन के अंदर ही उनका हालत इतना बिगड़ गया कि प्राण धारण नहीं कर पाए वे। और उन्होंने कौशल्या जी को बुलाकर कहा कि मेरा समय अब आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा, तो तुम संभालो आगे जो आने वाला है। जब राम वापस आएगा तो उसे संभालना और राज्य बनाने के लिए जो भी कार्य रहेगा वो तुम कर लेना करके। कहते हैं कि सभी लोग कैकेयी से बहुत ही दुखी थे, बहुत ही कुपित थे, बहुत गुस्सा था लोगों को कैकेयी के ऊपर। कहने लगे कि ये तो महिषी जैसी है। महिषी बोला तो क्या होता है, ये जो भैंस बोलते हैं, स्त्री भैंस को महिषी कहा जाता है और संस्कृत में रानी को भी महिषी कहा जाता है। तो ये जो महिषी है रानी, वो असली में वो महिषी है, स्त्री भैंस। क्योंकि श्रीनिधि स्वामी कहते हैं उस महिषी और इस महिषी में काफ़ी सारे एकताएं हैं, काफ़ी सारी एकताएं हैं। जनबाष्प जलाशय प्रिया वर श्रृंगद्वय भीम दर्शना मलिना मतिमांद्य पीवरा महिषी सत्यमियम महीपते। कहते हैं कि जो महिषी होती है स्त्री भैंस, उसको गंदा पानी बहुत पसंद आता है और उस पानी के कीचड़ में रहना उसको अच्छा लगता है। बिल्कुल उसी तरह इस महिषी को भी, ये कई कई महिषी को भी जनबाष्प जलाशय प्रिया है, वो ऐसे बोलते हैं। उसको भी लोगों के जो आंसू है वो मलिन अश्रु उसको बहुत पसंद है। और जो भैंस होता है, भैंस होती है स्त्री भैंस, उसको दो श्रृंग होते हैं जो ऐसे ऊपर से निकलते हैं, हॉर्न बोलते हैं, ऐसे दो श्रृंग होते हैं और वो ऊपर से रहते हैं, तो उसको वरस श्रृंग ऐसे कहते हैं, ऊपर वाला श्रृंग। और ये जो महिषी है कैकेयी, उसको भी दो श्रृंग आ गए थे, अपने वरों के श्रृंग, दो वर मांगे ना, वरदान मांगे दशरथ जी से, तो वे दो वरदान उसके सींग जैसे बन गए, सींग जैसे ही तो हानिकारक थे वे, इसलिए स्वामी कहते हैं वरश्रृंग द्वय भीम दर्शना, बहुत भयानक दिखती थी वो, उन वरों की वजह से भयानक हो गई थी लोगों के लिए। और भैंस भी काफी भयानक ही दिखता है, स्त्री भैंस भी भयानक ही दिखती है। मलिना मतिमांद्य पीवरा, बहुत गंदी होती है स्त्री भैंस, इसी तरह गंदे मति की थी ये कैकेयी। सचमुच ये महिषी ही है, महिषी सत्यमियम महीपते, ऐसे लोग कहने लगे। और इस महिषी के इस दुख को देने के कारण दशरथ जी के प्राण भी चल बसे। कहते हैं कि दशरथ जी को एक शाप था, एक दुखी माता पिताओं से एक शाप उनको मिल गया था। कभी जब वे युवा थे तो शिकार करने के लिए गए थे और उनको अपने शिकार पर इतना गर्व था कि उनको लगता था कि बस आवाज़ सुनने से वे तीर चला सकते थे, जहाँ पर शिकार है उस जगह पर जाकर अपने तीर को चला सकते थे, ऐसे उनको गर्व था। तो किसी जलाशय के पास उनको कुछ आवाज़ सुनाई दिया और उन्होंने तीर चला दिया। जब जाकर देखा कि क्या शिकार आया है, तो असल में वो शिकार कोई मृग नहीं बल्कि एक बालक था, एक बालक जो अपने वृद्ध माता पिताओं की सेवा कर रहा था और उनके लिए पानी लेने आया था इस जलाशय में। वो बालक चला गया, प्राण उसके निकल रहे थे, तब उस तीर को दशरथ जी ने बाहर निकाला और उस बालक से पूछा, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? तब बालक ने कहा कि बस जाकर मेरे प्यासे माता पिता का प्यास बुझाइए और उनको ये बात बता दीजिए कि अभी मैं नहीं हूँ उनके सेवा में, अभी नहीं हो सकता उनकी सेवा में उपस्थित। तो जब ये बात जाकर कहा दशरथ जी ने उन वृद्ध माता पिताओं को, तो उन्होंने बहुत दुखी होकर ये शाप दे दिया कि पुत्र विरह जो होता है वो बहुत ही शोकमयी होता है, उससे बड़ा शोक और कुछ नहीं होता। कहते हैं कि खुद पराशर महर्षि के दादाजी वशिष्ठ जी को भी ऐसा एक शोक हुआ था, उनको लगा कि दे दे अपना प्राण त्याग दे, पुत्र शोक जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा शोक होता है। तो ये वृद्ध माता पिता ने कह दिया कि ऐसे ही पुत्र शोक से तुम्हारा भी देहांत हो जाएगा, जैसे अब हमारा होने वाला है, ये कहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और ये कथा अब दशरथ जी को याद आया और उन्होंने सुनाया कौशल्या जी को, कहा कि इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ, मेरा जो शाप है वो फल देने लगा है, मुझे जा रहा हूँ, संभालना, करके चले गए। कहते हैं कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के चार चार पुत्र होने के बावजूद भी जब उनके प्राण निकले तब कोई उनके पास नहीं था। राम और लक्ष्मण वन में थे, भरत और शत्रुघ्न तभी केके देश में गए थे, अपने नाना जी के पास, अपने मामा के पास गए थे छुट्टी मनाने के लिए। कहते हैं कि उनको संदेशा भेजा गया कि आपकी उपस्थिति अयोध्या में अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि राज्य लक्ष्मी आपकी प्रतीक्षा कर रही है, ऐसा संदेशा भेजा गया। रामायण जो है वो बहुत धर्म सिखाता है हमको, ऐसा हमेशा कहते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? किसी को कोई बात बतानी हो तो उसे उसे कभी किसी तरह का टेंशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि उतने दूर से उसको अभी घोड़े पर आना है। अगर उसको पता चल जाता कि अभी उनके पापा नहीं रहे, पिताजी नहीं रहे, तो फिर क्या हाल होता उनका, कैसे आ पाते, पता नहीं उस स्थिति में वे आ भी पाते, यात्रा भी कर पाते या नहीं। तो ऐसा नहीं कहा लोगों ने, जब संदेशा भेजा गया तो इतना ही कहा कि राज्य लक्ष्मी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। भरत जी को थोड़ा कुछ समझ में आया, थोड़ा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कहते हैं कि कुछ शगुन दिख जाते हैं अपनों को, तो भरत जी को अच्छे शगुन नहीं दिख रहे थे। ये बात उन तक पहुंची उसके पहले ही उनका मन जो था वो शांत नहीं था, बड़ा चंचलित हो रहा था, इसलिए भरत जी को कुछ ठीक महसूस नहीं हुआ। जल्दी जल्दी आ पहुंचे, कहते हैं कि 7 दिन के अंदर कैके देश से अयोध्या तक पहुंच गए, और तब तक दशरथ जी को रखा गया था। भरत के आने तक प्रतीक्षा कर रहे थे सभी लोग। आते आते अयोध्या के दृश्यों को देखकर भरत को पता चल गया कि कुछ ठीक नहीं है बिल्कुल। अपने माता के भवन में चला गया भरत। माता ने उसे बहुत आनंद से स्वागत किया, बोला कि बेटा आ जाओ, अभी ये जो राज्य है तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। माता के हाल को देखकर भरत को ठीक नहीं लगा। उसने पहले पूछा कि पिताजी कहाँ हैं, ऐसे क्यों कह रही हो तुम, फिर एक एक करके सारी बातें बताई। तो कहते हैं कि भरत जी इतने दुखी हो गए कि मूर्छित हो गए, उठ नहीं पाए थोड़ी देर के लिए। उठकर उन्होंने पहले तो इनको थोड़ा कोसा, कैकेयी जी को बोला कि ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम हमारे पूरे कुल के लिए शायद शाप हो, ऐसे सब कहा कुछ देर के लिए, फिर शांत हो गए। उसके बाद शत्रुघ्न को बहुत गुस्सा आ गया। शत्रुघ्न भी भरत के साथ साथ आए थे। शत्रुघ्न को इतना गुस्सा आ गया कि जब वो मंथरा दिखी, मंथरा जिसने कैकेयी के बुद्धि को मलिन कर दिया था, जब वो मंथरा दिखी तो शत्रुघ्न ने मंथरा के बालों को पकड़कर घसीट कर लाया, कहा कि अभी मैं इसका वध करूंगा। ये जो सारे इस स्थिति का कारण है, उसको तो जिंदा रहने का हक नहीं है, मैं उसको मार डालूंगा, ऐसे कहा। तब जाके भरत जी ने एक बहुत सुंदर बात कही, तुम जो कर रहे हो शत्रुघ्न वो ठीक नहीं है। तुमको क्या लगता है ये मंथरा का अपराध है क्या, ये मंथरा ने कुछ गलती किया इसलिए ये सब हो रहा है, ऐसा तुमको लगता है? नहीं, न मंथराया, नहीं उसकी गलती नहीं है। फिर किसकी गलती है? हमारे माता की गलती है क्या? इस कैकेयी की गलती है? न च मातुरस्याः, नहीं उनकी भी गलती नहीं है, वे तो पुत्र मोह में कर गई जो करना था। तो राजा को इसकी बात नहीं सुननी चाहिए थी, क्योंकि राज्य की बात हो रही है। तो सबके सुख का ख्याल रख के उन्होंने कैकेयी को वर देना नहीं चाहिए था, है कि नहीं? नहीं, दोषो न राज्ञः, राजा का भी कोई दोष नहीं है इसमें। फिर किसका दोष है? क्यों ये सब हो रहा है? क्यों राम जी वनवास चले गए, क्यों दशरथ जी गुजर गए, और क्यों हम सब इस परिस्थिति में हैं? मत्पापमेवार्थ निमित्तमासीत् वनप्रवेशे रघुनंदनस्य। कहते हैं भरत जी ये सब मेरे पाप का कारण है। मैं जो हूँ इधर, भरत नाम का एक आत्मा अगर इस दुनिया में आया ही नहीं होता तो कौन सा वास्ता रहता है ये सब होने का? मेरी गलती है, और किसी को कोई दोष नहीं देना चाहिए। ये जो भरत जी का स्वभाव है सबसे ऊपर। कहते हैं कि भरत जी जो हैं, उनका नाम भरत इसलिए कहा गया है क्योंकि वे भार को उठाते हैं, सभी के भार को उठाने वाले को भरत कहा जाता है। तो सारे दोष का भार उन्होंने अपने कंधों पर स्वीकार लिया, जबकि वे उस जगह पर उपस्थित भी नहीं थे। जब ये सब हुआ तब भरत जी थे क्या वहां पर? थे भी नहीं, उनको इस बात का खबर भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। फिर भी सारा दोष अपने ऊपर लेने के लिए वे तैयार थे। इसी को एक भागवत का स्वरूप कहा जाता है। जो भगवान विष्णु के जो भक्त रहते हैं वे ऐसे ही रहते हैं कि किसी के ऊपर कभी उंगली नहीं उठाते। अगर सचमुच भी किसी का दोष होगा तो भी उनको दोष नहीं देते, देखते हैं कि हमने हमारे में कोई कमी है क्या, इसकी वजह से शायद हुआ रहेगा, क्यों किसी को दोष देने का। और ऐसे लोग भगवान को बहुत प्यारे रहते हैं और असली भक्त भागवत कहलाते हैं, जैसे कि भरत जी थे। ये कहने के बाद भरत जी ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार के बाद 14वें दिन वशिष्ठ भगवान ने कहा कि अब तो तुम्हें राज्य को स्वीकारना चाहिए। राज्य अभी राजा बिना हो गया है, तो राज्यभार को स्वीकार कर तुम्हारे पिता के वर का सम्मान करो, ऐसे कहा उन्होंने। भरत जी ने कहा ये नहीं हो सकता, ऐसे कभी होता है क्या कि एक दास दूसरे शेष वस्तु पर राज्य करे। मतलब ये जो राज्य है अयोध्या नगरी, ये भी राम का शेष है, मतलब राम के अधीन है, और मैं जो हूँ मैं भी राम का शेष हूँ, मतलब मैं उनका दास हूँ ऐसा। तो एक दास किसी के ऊपर राज्य कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। राज्यम च अहम रामस्य शेषम, ऐसे कह दिया उन्होंने, हम दोनों भी उनके अधीन ही हैं। तो एक सेवक दूसरे स्वामी के सामान पर हक जता सकता है क्या? तो ये नहीं हो सकता कि मैं राज्य चलाऊं। मैं तो अब जा रहा हूँ, अपने भाई के पास जा रहा हूँ उनको वापस लाने के लिए, मैं उनके शरण में गिर जाऊँगा, चरणों में गिर जाऊँगा, शरण में जाऊँगा और ये पूछूंगा कि क्या करने से आप वापस आओगे, आपकी जगह पर मैं वनवास रह लूँगा 14 साल, आप वापस आकर राज्य करो, ऐसा कहकर मैं लाऊंगा उनको वापस करके प्रतिज्ञा करके निकलते भरत वहां से। अब ये तो निकले तो अकेले नहीं निकले, पीछे पीछे शत्रुघ्न आए। जैसे राम के पीछे लक्ष्मण जाते, भरत के पीछे शत्रुघ्न जाते। बस शत्रुघ्न ही नहीं बल्कि सारी माताएं भी उनके पीछे पीछे चली। कौशल्या जी और सुमित्रा जी तो राम से मिलने के लिए आतुर थी। अब तक कैकेयी को भी सद्बुद्धि आ गई थी, उनके बेटों के ही इस बर्ताव को देखकर उनको बहुत ही खराब लगा कि ऐसा उन्होंने कह दिया और पूरे इस परिस्थिति का कारण बन गई। तो उनके मन में प्रायश्चित भर गया और वे भी माफी मांगने के लिए उनके साथ चली गई। इतना ही नहीं, सारी अयोध्या नगरी पीछे पीछे चली आई राम जी को मिलने के लिए। ये लोग पहुंचे पहले श्रृंगिवेरपुर में गुह जी के पास। जब गुह को दिखा कि भरत दूर से आ रहा है सारे लोगों के साथ, तो पहले तो उनके मन में शंका आ गई, लगा कि ये किसके लिए आ रहा है, अभी राज्य मिल गया बस नहीं हुआ, क्या करने आ रहा है, राम जी को ढूंढते आ रहा है, तो पता नहीं कुछ तो उसके मन में रहेगा, कुछ मैल रहेगा शायद, ऐसे लगा। दूर से देखा तो मन में शंका आई। थोड़ा जब पास आया तब देखा कि भरत का वेश जो था वो राजकुमार का वेश नहीं बल्कि वनवासी का वेश था। तो उस वेश को देखकर गुह को लगा कि ये तो सच्चे मन से आ रहा है शायद। तो उनको लगा कि ये ठीक है, अच्छा ही है, शायद लक्ष्मण जितना अच्छा भाई है भरत भी। जब भरत से बात किया तो पता चला कि लक्ष्मण से भी बेहतर भाई है ये, क्योंकि लक्ष्मण तो फिर भी उस वक्त उपस्थित थे जब राम जी वनवास में निकल रहे थे और राम जी के साथ साथ निकल पड़े। ये भरत तो राम जी के जगह लेने के लिए निकल पड़े, तो ये उससे एक कदम आगे निकल गए। फिर थोड़ी देर बाद गुह ने भरत को वो जगह दिखाई जहां पर राम और सीता ने शयन किया था पिछले रात को। उस जगह को देखकर, उनके रेखाओं को देखकर जब भरत रो पड़े तो उनको लगा कि ये तो राम से भी बेहतर है। कितना भाव है इसमें, कितने मन में अगर किसी के भक्ति होगा तो वो इस हद तक रो सकता है। तो राजकुमार है, फिर भी सबके सामने अश्रु बहाकर रो रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें, तो ये तो राम से भी आगे निकल गया। ऐसे सोचकर गुह ने बताया कि अभी भरद्वाज आश्रम के पास पहुंचे हैं राम जी और उधर जाने से मिल सकते हैं आपको। फिर उधर गए भरद्वाज महर्षि के आश्रम के पास, तो उधर से उनको खबर मिला कि तब तक राम जी चित्रकूट पहुंच चुके थे। तो चित्रकूट निकल पड़े भरत, ऐसे ही सारी अयोध्या नगरी के साथ, सैन्य भी था उनके साथ। तो भरत जी को आते देख दूर से लक्ष्मण के भी मन में यही शंका उठ पड़ी कि पता नहीं ये भरत अभी इधर क्यों आ रहा है, शायद आपको मारने के लिए आ रहा है करके जाकर लक्ष्मण ने राम को बताया। तो राम जी ने बताया, लक्ष्मण तुम्हें गलतफहमी हुई है, एक बात अगर मैं कहूं भरत से तो सारा राज्य वो तुम्हें सौंप देगा। बताऊं क्या उसको, भरत लक्ष्मण को राज्य दे देगा, इतना मैं बोलूंगा तो बस हो जाएगा उसके लिए, पूरा राज्य तुमको दे देगा। वो तो बेचारा मुझसे मिलने के लिए आ रहा होगा, तो तुमको अपने मन में ऐसे मैलीन बात नहीं रखनी चाहिए। फिर लक्ष्मण लज्जित हो जाते हैं, कहते हैं कि क्षमा कीजिए भैया, नहीं कहना चाहिए था मुझे ऐसे। फिर भरत आते हैं राम जी से मिलने के लिए। ये जो राम और भरत का मिलन है बड़ा ही भावुक मिलन है रामायण में। श्रीनिधि स्वामी कहते हैं कि जब इन दोनों का मिलन हुआ तो दोनों के मुंह से बातें नहीं निकली, बोल नहीं पाया कोई भी। भरत ने चरण स्पर्श किए राम जी के और राम जी ने उसको उठाकर गले लगा लिए। कहते हैं कि किसके मुंह से अभी पहला शब्द निकलेगा, ये सोच में ही पड़ गए और पहला शब्द राम जी के ही मुंह से निकला। इतना ही निकला, ये क्या है भरत? किमिदम भरतेति साश्रुणा दृढ़मालिंग्य समांडवीपति जगदे जगदे कधन्विना मृदुना पाणितले न लालिता। ये क्या है भरत? ऐसा कहकर उन्होंने अपने उन हाथों से भरत को स्पर्श किया। जगदे जगदे का धन्विना बोलते हैं, इस पूरे जगत में वो एक ही धन्वी थे, मतलब उनके जैसा दूसरा कोई नहीं था, अतुल्य धन्वी थे। अतुल्य धन्वी का क्या मतलब है? वो जो इस तरह से धनुष पकड़ते हैं कि उनके हाथ में वो धनुष की रेखाएं ऐसे एकदम रेखित हो जाते हैं, तो कैसा रहेगा वो हाथ? मृदु रहेगा क्या? नहीं। लेकिन जब भरत को स्पर्श किया, वही जगदे जगदे का धन्विना का हाथ मृदुना पाणी तले न लालिता, वो मृदु बन गए, मृदु रीत में वो बदल गए, ऐसा बोलते हैं। ये तो भगवान का ही लीला है। तो क्या है ये भरत, ऐसा पूछा तो भरत के आंखों से बस अश्रु ही निकल रहे थे। फिर आगे राम जी पूछते हैं, बोलते हैं कुशली नगरे नुनः पिता कुशली मातृगणः पितृप्रियः कुशलम जनतामवेक्षसे कृत एवं समुपागतो वनम। सब कुछ कुशल तो है ना, हमारी नगरी कुशल है ना, अयोध्या नगरी, हमारे पिताजी तो अच्छे हैं ना, माताएं कहाँ हैं? अभी भरत पहले आ गया, माताएं पीछे से आ रही, माताएं तो अच्छी है ना, सब लोग अच्छे हैं, तो तुम्हारी यहाँ पर आने की जरूरत क्या हुई? ऐसा कैसा तुम्हारा अचानक आगमन हो गया? जब ये पूछा तो रो रो कर भरत ने सारी बातें बताई कि कैसे उनके पिताजी अब नहीं रहे और कैसे वे उनको वापस लेने के लिए ही आए थे। तो राम जी ने कह दिया कि भरत सुनो, तुम्हारी भावनाएं मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इतना समझो कि ये जो प्रतिज्ञा मैंने लिया है, क्या कहकर लिया है? रामो द्विर्नाभिभाषते, हमने देखा था कैसे कहा था कि राम के दो वचन नहीं है, अगर कहा है कि वनवास करूंगा तो वनवास अवश्य करूंगा। तो ऐसा हो सकता है कि हिमवान हिम को त्याग दे या फिर चंद्रमा अपनी ज्योत्सना को त्याग दे, लेकिन मैं अपने वचन से प्रतिबद्ध हूँ, पीछे नहीं हटूंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं वापस आऊं। लेकिन भरत भी कुछ कम हटी नहीं थे, उन्होंने कहा कि आप नहीं आएंगे तब तक प्रायोपवेश करके मैं इधर ही रह लूंगा, खाना पीना छोड़ दूंगा, मैं इधर ही बैठ जाऊं। अब क्या करें? इन दोनों भाइयों के आपस के प्यार में और आपस की प्रतिज्ञा में कौन जीतेगा, कौन हारेगा? तो वशिष्ठ जी ने एक उपाय निकाला, कहा कि ठीक है, राम भी वापस नहीं आएंगे और भरत भी शासन नहीं करेगा, बस राम जी के पादुकाओं को लेकर भरत वापस जाएंगे और पादुकाओं का राज्य चलेगा 14 साल तक। तो ये कहकर भरत जी ने बड़े ही आदर से राम जी के पादुकाओं को लिया और अपने सर पर रखकर अयोध्या नगरी वापस चले गए। अधिरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेम भूषिते एते हि सर्वलोकस्य योगक्षेमं विदास्यतः। कहते हैं कि ये जो पादुका पट्टाभिषेक जो हुआ, उसकी वजह से पूरे लोक का क्षेम हो गया, अच्छाई हो गई। पादुका का राज्य जो है उसकी महिमा ही महिमा है, उसके लिए अलग प्रवचन करना पड़ेगा, अभी हमें वक्त नहीं है तो आगे निकलना पड़ेगा। इतना कह सकते हैं कि ये जो 14 साल का पादुका राज्य था वो बाद में हुए 1000 साल के 11,000 साल के राम जी के राज्य से भी बेहतर था। कैसे बेहतर था कभी और सुनेंगे। तो जब पादुका का पट्टाभिषेक हुआ तो भरत जी वापस चले गए अयोध्या में और राम जी आगे वन में निकल पड़े। दंडकारण्य में पहुंच गए राम जी और उधर पहुंचने के पहले उनकी अत्रि महर्षि से भेंट हुई, जहाँ पर अनसुया देवी को सीता जी ने अपने पूरे विवाह की कथा बताई और अनसुया देवी ने उनको अनेक सारे गहनों को देकर उनको खुश किया और कहा कि ये सब गहने तुम पहना करो, अच्छा है तुम्हारे लिए। ये क्यों किया ये बाद में हमें पता चलेगा। अच्छे सारे गहनों से सज कर सीता जी गई और राम जी और लक्ष्मण जी भी जा रहे थे वन में, तब उनका भेंट बहुत सारे ऋषियों से हुआ। बहुत सारे ऋषि आकर राम जी का दर्शन लिया, ऋषियों ने आकर राम जी का दर्शन लिया और कहते हैं कि राम जी के इस रूप से सम्मोहित हो गए ऋषि लोग। रूप संभरणम लक्ष्मी सौकुमार्यम सुवेशताम ददृशु विस्मिताकाराः रामस्य वनवासिनः। सभी लोग राम जी के इस संपन्न रूप को देखकर विस्मयी हो गए। कहते हैं कि राम जी उस वक्त कैसे थे, जटाधारी थे, कुछ गहने वहने कुछ नहीं थे, ऋषि मुनियों के ही वेश में थे, लेकिन इतने सुंदर थे कि वो भी रूप लोगों के मन को भा गया। और कहते हैं कि ऋषियों के मन में ऐसा भाव आया कि इस राम जी से जाकर एक नायिका के रूप में अनुभव ले, लेकिन राम जी ने कह दिया कि यह अब संभव नहीं है, इस अवतार में तो मैं एक पत्नी व्रता हूँ, तो ये अभी नहीं हो सकता, लेकिन आगे चलकर एक अवतार आने वाला है कृष्ण का अवतार, तो तभी आप सब गोपिकाएं बनकर आ जाइए, ऐसा अनुभव आपको मिल जाए। तो इसीलिए गोपिकाओं का बहुत आदर करना चाहिए, क्योंकि त्रेता युग में जो ऋषि लोग थे वे द्वापर युग के गोपिकाएं बनकर आ गए थे भगवान के इस अनुभव को पाने के लिए। ये ऋषि तो अभी फिर इस ख्याल को उन्होंने छोड़ दिया और असली समस्या में आ गए। असल में वे एक समस्या बताने के लिए आए थे राम जी से। क्या समस्या थी? बड़ी समस्या थी। बहुत सारे राक्षस थे उस दंडकारण्य में जो उन्हें याग यज्ञ करने नहीं दे रहे थे, तो राम जी से आकर शरणागति किया ऋषि मुनियों ने, कहा कि हमारा संरक्षण कीजिए इन राक्षसों से। तब राम जी को बहुत खेद हुआ, उन्होंने कहा कि ये तो मेरा कर्तव्य है कि आप लोगों का संरक्षण करना एक राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य है, और इसी के लिए मेरे पिताजी ने मुझे भेजा है वन को, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। आज मैं सोच रहा था कि क्यों मुझे वनवास मिला है, यही उसका असली कारण है, आपका संरक्षण करना। मुझे खेद इस बात का है कि आपको आकर मुझे पूछना पड़ा ये बात, बल्कि मुझे आकर आपसे आपकी सेवा में उपस्थित होना था, तो मुझसे बड़ी गलती हो गई कि मैंने देर कर दी आपकी सेवा करने में। ऐसा कहकर वे निकल गए। तब जाके सीता जी ने एक बात कही राम से। सीता जी बोली कि हे राम, आप बहुत धर्मात्मा हो, बहुत बड़े वीर हो, सबके रक्षक हो, ये सब मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी। ऐसा कहकर एक कथा बताया सीता देवी ने राम जी को। राम जी भी बहुत स्वारस्य से सुनने लगे, क्या बात कर रही है ये देख लूँ। तो सीता जी ने कहा कि एक ज़माने में एक ऋषि थे जो बहुत बहुत ही गहरी तपस्या कर रहे थे। वे इतनी गहरी तपस्या कर रहे थे कि इंद्र जैसे देवों को भय लगने लगा कि कहीं तपस्या की वजह से उनका पद इस ऋषि को न मिल जाए। अब कभी भी भूलोक में जब कोई तपस्या करता है तो देवलोक में टेंशन हो जाता है, क्योंकि तपस्या का फल बढ़ता है तो पुण्य बढ़ता है, और पुण्य बढ़ने से आदमी को स्वर्ग मिलता है, और अगर बहुत पुण्य बढ़ गया तो स्वर्ग में जो देवताएं हैं उनका पद भी मिल जाता है, जैसे इंद्र पदवी, वरुण का पदवी, वो मिल जाता है। तो इंद्र को बहुत अभी चिंता होने लगी कि क्या अब ये ऋषि को मेरी पदवी प्राप्त हो जाएगी, तो किसी भी तरह इस ऋषि के तपस्या को भंग करना चाहिए। तो बहुत सारी उपाय की भंग करने की उर्वशी रंभा सबको भेजा, कुछ हुआ नहीं, वो ऋषि बहुत मग्न थे अपनी तपस्या में। तो फिर नारद भगवान प्रकट हुए स्वर्ग में और उन्होंने एक उपाय बताया, इंद्र को बताया कि तुम एक काम करो, एक ब्राह्मण के वेश में जाओ और एक चाकू लेके जाओ अपने साथ, और इस ऋषि को जाकर दे दो उस चाकू को, बताओ कि ये चाकू बहुत बढ़िया है, एकदम अच्छे से इसी को भी काटता है और बहुत ही रहस्यमयी चाकू है, उसमें बहुत कुछ बातें छिपी है, ऐसा ऐसा बहुत बड़ा कड़ाकर उस चाकू के बारे में कुछ भी बताओ, और उसको देखकर इतना बोलो कि मैं आ जाऊंगा 2-3 दिन में वापस, और कभी वापस मत जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये बोलकर चले आना, ऐसे बोला नारद जी ने। तो इंद्र को कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी नारद जी पर कुछ भरोसा था तो ये काम करने के लिए निकल पड़ा इंद्र। और ऐसे वेश पहनकर उस ऋषि के पास जाकर वो सब कहा जो नारद ने कहने को बोला। ये एक चाकू दिया और बोला कि देखो मैं ये चाकू वन में लेकर घूमना नहीं चाहता, फिर कोई मुझसे इसको छीन सकता है। और ये चाकू बहुत ही क्या बोलते हैं, हाँ, धार वाला चाकू है, अच्छा वाला चाकू है, और इसका जो महिमा है वो मैं किसी को बता नहीं सकता और किसी को मैं ये देना भी नहीं चाहता। कोई मुझसे छीन ले ये मुझसे सहन नहीं होगा। बस 2-3 दिन का काम है बाहर वाले शहर में, वो करके मैं वापस आऊं, तब तक रखो इसको, बहुत मेहरबानी होगी। ऐसा कहकर ऋषि को प्रणाम करके चला गया इंद्र। 2-3 दिन हुआ, वापस नहीं आया इंद्र। 1 हफ्ता हुआ, वापस नहीं आया। 1 महीना हुआ, वापस नहीं आया। फिर ये ऋषि को थोड़ा मन में क्या बोलते हैं, क्यूरियोसिटी होने लगा। क्यूरियोसिटी को क्या बोलते हैं, जिज्ञासा होने लगी कि क्या है इस चाकू के बारे में। इतना कुछ बोला वो, देखूं मैं इस चाकू को। तो उस चाकू को देखा, पास से देखा, अच्छा था, लगा कि उनको ये जो फल है मैं उसको इस चाकू से काटूं। सफरचंद था बाजू में, उसको काटा। अरे वाह, ये तो मस्त काटता है। तो 4 दिन फल काटते रहे उससे। फिर फल काटते काटते 4थे दिन को एक बिल्ली आई बीच में। तो वो बिल्ली अचानक बीच में आ गई तो वो कट गया चाकू से। तो लगा कि ये बिल्ली को भी काटता है चाकू। फिर थोड़ी देर बाद उनको लगा कि इस चाकू से और कुछ काटूं और कुछ काटूं, और ऐसे काटते काटते वे कातिल हो गए। ऋषि कातिल में बदल गए। इंद्र का काम तो हो गया, उनकी तपस्या भंग हो गई। लेकिन इस कथा से हमको क्या पता चलता है, ये कथा सीता देवी राम जी को सुना रही। तो क्या पता चलता है इससे, ये पता चलता है कि ये चाकू के रहने की वजह से ऋषि एक कातिल में बदल गए। तो जो चीज जिसके पास जिस वक्त नहीं रहना चाहिए, उसके रहने से उसके ख्याल बदल जाते हैं। तो अब आप किस लिए आए हैं वन में, वनवास करने आए हैं, आपके पिताजी के प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए आए हैं। लेकिन आप ऐसे ही नहीं आए, धनुष बाण लेकर आए हैं साथ। तो मुझे लगता है कि ये धनुष बाण ऐसे आयुध आपके साथ होने के कारण आपका मन ऐसे राक्षसों के कत्ल में लग रहा। तो अगर आपके पास ये आयुध नहीं होते तो शायद आपको ऐसा ख्याल नहीं आता। अब हम क्यों आए हैं वनवास में, शांति से रहकर जा सकते हैं ना, क्यों ये सब राक्षस वध में लगने का। तो ये सीता देवी ये सब क्यों कह रही है, क्योंकि वे सबसे बड़ी कृपालु है। किसी का भी वध हो ये उन्हें स्वीकार नहीं, इसलिए वे ऐसा प्रयास कर रही हैं कि भगवान को किसी का भी वध करने से रोक दिया जाए। तो राम जी ये कथा सुनते हैं और बहुत खुशी होती है उनको। हंसते हंसते लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण देखो कितना सुंदर बात कहा तुम्हारी भाभी ने, और कितने अच्छे से बोला इस कथा को। कुछ पता भी चला कि हमको कि पहले क्या कहने वाली है, कथा को सुनाया और अंत में जाके सीख दिया हमको। लेकिन हे देवी सीता, मुझे एक बात आपसे कहनी होगी कि मैं प्रतिज्ञा दे चुका हूं ऋषियों को, और मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे मैं छोड़ नहीं सकता। ऐसा भी हो सकता है कि कदापि मैं तुमको छोड़ दूं, सीता को कह रहे हैं राम जी, और तुमसे भी प्रिय लक्ष्मण को छोड़ दूं, लेकिन मैं मेरी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ सकता, तुमको छोड़ू। उसके पहले राम जी ने और एक बात कहा कि मैं अपना प्राण भी त्याग सकता हूँ, प्राणों के ऊपर तुमको भी त्याग सकता हूँ, और उसके भी ऊपर जो लक्ष्मण है उसको भी त्याग सकता हूँ, लेकिन अपने प्रतिज्ञा को नहीं। अप्यहम जीवितम जह्याम त्वाम वा सीते च लक्ष्मण न तु प्रतिज्ञाम संसृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। ऊपर से ब्राह्मणों को दी हुई प्रतिज्ञा है ये, उसको तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। और शरणागति करके आए हैं मेरे पास, शरणागति का बहुत ही शक्ति बड़ा होता है, तो मैं उनको छोड़ नहीं सकता। और वैसे भी जिनका वध मैं करने वाला हूँ वो क्यों करने वाला हूँ तुमको पता चल जाए करके वो कहते हैं। और थोड़ी देर में पता भी चल जाएगा, हमको भी पता चल जाएगा, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। क्या होता है कि थोड़ी दिन बाद ऐसा होता है कि पर्णशाला रचा कर रहने लगते हैं दंडकारण्य में। जब पर्णशाला की रचना करने को कहा जाता है लक्ष्मण जी से, तो राम जी कहते हैं कि ऐसी पर्णशाला रचाओ कि मेरी और तुम्हारी और सीता की पसंद उसमें रहे। मतलब ऐसा घर बनाऊं कि हम सबको पसंद आए। ये सुनकर भावुक हो गए लक्ष्मण। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसा कह दिया आपने, क्या गलत कह दिया, क्या गलत कह दिया राम जी ने, कुछ भी तो नहीं कहा। कहा कि मेरा भी पसंद देखो, तुम्हारा भी पसंद देखो। उन्होंने कहा कि मेरी पसंद ऐसे कुछ है क्या, मैं कुछ अलग आत्मा हूं आपसे? आत्मा तो अलग है, लेकिन ऐसा ही है कि शेष हूं आपका, तो आपसे अलग भी नहीं हूं। तो आपको तो ऐसा कहना नहीं चाहिए। क्या कहना चाहिए आपको? क्रियतामिति माम वद, ऐसा करो, ऐसा आज्ञा देना चाहिए, ना कि ये बताना चाहिए कि तुमको जो पसंद है वो करो। ऐसा कोई है ही नहीं, मेरा अस्तित्व ही नहीं है आपके बिना, तो आपको ऐसा कहना ही नहीं चाहिए। ऐसे कहकर जब वो पर्णशाला की रचना करते हैं, इतनी श्रद्धा से करते हैं, इतने प्यार से करते हैं कि वो करने के बाद राम जी भावुक हो जाते। लक्ष्मण के इस कैंकर्य की रुचि को देखकर लक्ष्मण जी को आलिंगन करते हैं राम जी और कहते हैं कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आता है कि तुम मेरे भाई हो या फिर पिता। भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न संवृत्तः पिता मम। मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम मेरे पिता हो या भाई। इतने भाव के साथ तुम कैंकर्य करते हो, इतना कर्तव्य का भाव है तुम्हारे इसमें। मतलब जब पिता बालक के लिए करता है तो उसमें कोई आंच नहीं आता, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि अरे मुझे क्यों करना पड़ रहा है, ये तो मेरा ही कर्तव्य है, मुझे छोड़कर कौन कर सकता है मेरे बच्चे के लिए। तो उस भाव से, कर्तव्य के भाव से तुम कर रहे हो। ऐसा कहकर आंख से अश्रु निकलते हुए लक्ष्मण को आलिंगन किया। कितने लोगों को आलिंगन आज कर रहे हैं भगवान, देखना चाहिए। भरत को किया, अभी लक्ष्मण को किया, आगे चलकर और स्वारस्य बात आएगी। होता है ऐसा कि पर्णशाला में जब अच्छे से बसे होते हैं कई सालों के लिए, उसके बाद एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षसी आ पहुंचती है वहां और राम को देखकर मोहित हो जाती है, राम से शादी करना चाहती है। ये जो शूर्पणखा है बूढ़ी है, लेकिन राम से मोहित हो जाती है। राम तो तभी कुछ हुए रहेंगे 30-35 साल के, लेकिन ये बूढ़ी राक्षसी शूर्पणखा उनसे शादी करना चाहती है। कहते हैं कि अनेक युगों से जीवित थी वो, इतनी बूढ़ी थी, लेकिन राम जी से मोह रखकर उनके पास आती है, अच्छा रूप धारण करके आती है और कहती है कि मुझसे शादी कर लो। तो राम जी कह देते हैं कि ये संभव नहीं है, मेरी पत्नी है यहाँ पर सीता, तुमको दिख रही है, तो मैं तो शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरा भाई है वो भी शादीशुदा है, लेकिन पत्नी साथ में नहीं है, तो तुम अपना ये जो शादी का बात है उसको जाकर कह दो। हंसते हंसते कहते हैं, ऐसी मजाक कर रहे हैं उसके साथ ये, लेकिन सच मान लेती है उसको। देखती है लक्ष्मण भी सुंदर है, चलो जाते हैं उनके पास। लक्ष्मण तभी पर्णशाला के ऊपर कुछ ठीक कर रहे हैं, लीकेज कुछ हो रहा है उसको ठीक कर। तो जाकर पहुंची वो लक्ष्मण के पास, तो लक्ष्मण भी मजाक के ही स्थिति में बोल देते हैं कि मैं तो सेवक हूँ मेरे स्वामी का राम, तो मेरी पत्नी बन जाओगी, उनकी सेविका बन जाओगी, तो ये स्वीकार है क्या तुमको, ये स्वीकारती हो क्या तुम? तो वो कहती है नहीं नहीं, मुझे कोई सेविका नहीं बनना है। वापस राम के पास चली जाती है। तो राम कहते हैं कि नहीं संभव है बाबा, हम लोग मजाक कर रहे थे, तुम अभी अपना काम देख के चली जाओ। तो फिर शूर्पणखा को गुस्सा आता है सीता के ऊपर, ये औरत इधर है इसलिए मुझे ऐसे भगाया जा रहा है, अभी देखो मैं इसको खा लेती हूँ करके सीता की तरफ वो बढ़ती है। तब जाकर लक्ष्मण जी अपने चाकू से उसके नाक और कानों को काट देते और सारे रक्त को बहलाते हुए वो जाती है अपने भाई खर के पास। खर नाम का राक्षस उसी दंडक वन में है उस वक्त। उसके पास जाकर वो बोलती है कि ऐसा हाल कर दिया एक मनुष्य ने मेरा, जाकर उसे तुम समाप्त करो। तो खर और उसका भाई दूषण और सारे राक्षस लोग जाते हैं राम से युद्ध के लिए ललकारने के लिए जाते हैं। पहले कहा जाता है कि 14 राक्षसों को भेजता है खर और उन लोगों का राम बहुत आसानी से वध कर देते हैं। उसके बाद 14,000 राक्षसों को लेकर खर, दूषण और त्रिशिरा नाम के राक्षस राम से युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। अभी ये लोग आते हैं तो राम जी युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मण जी भी साथ में बढ़ते हैं, लेकिन राम जी कह देते हैं कि अभी तुम मेरे साथ युद्ध में मत आओ, तुमको और एक कर्तव्य है, सीता और बाकी ऋषियों को लेकर एक गुफे में जाकर तुम लोग रुक जाओ, जहां से तुमको पूरा युद्ध दिखेगा, दूर से दिखेगा पूरा युद्ध, उस जगह पर जाकर तुम लोग रुक लो और तुम इन लोगों को संरक्षित करते, उनको युद्ध दिखाते रहो, ऐसे कहते हैं राम जी। एक कारण से ही कहते हैं, वो क्या कारण है अभी पता चल जाएगा अपने को। तो फिर लक्ष्मण जी राम की बात सुनकर वहां चले जाते हैं और राम अकेले 14,000 राक्षसों के विरुद्ध युद्ध करने निकल पड़ते। बहुत सुंदर युद्ध है ये, ऐसा कहते हैं। एक राम जो पदाती है, जिसके पास रथ नहीं, घोड़ा नहीं, हाथी नहीं, कुछ नहीं, बस खड़े हैं, वो युद्ध करते इतने सारे राक्षसों के साथ एक ही समय। कहते हैं कि खर तर खर तरु खंडन छंड पवना, खर जो आया वो एक तूफान की तरह आया और भगवान ने उसको एकदम, तूफान को कैसे हटाता है हवा, वैसे हटा लिया। अगर सामने से हवा आती है तो वो हटा देती है तूफान को, तो उसी तरह भगवान ने उसको समाप्त किया। फिर दूषण जल निधि शोषण तोषित ऋषिगण घोषित विजय घोषणा, जो दूषण था वो सागर की तरह आया और उस सागर जैसे शत्रु को भी भगवान ने निरस किया। त्रिशिर शिरा त्रितय तिमिर निरास वासर करा, त्रिशिरा नाम का जो राक्षस था वो अंधकार जैसे आया और उसको सूर्य भगवान की तरह राम ने खत्म किया। और ये 14,000 जो राक्षस थे वे गजों की तरह आए और उन गजों को सिंह की तरह जाकर राम जी ने उनको खत्म किया। तो इस तरह का जो युद्ध किया राम जी ने, सारे राक्षस मिटे गए, सारे राक्षस 14,000 राक्षस। कहते हैं कि कुछ ही क्षणों में, कहते हैं एक 1.5 घंटे के अंदर उनका पूरा किस्सा खत्म हो गया। और इस पूरे युद्ध को सीता जी और सारे ऋषि लोग गुफे से देख रहे। जब युद्ध खत्म करके भगवान राम आए वापस, तो एक बहुत स्वारस्यमयी दृश्य नजर आया। सीता देवी इतनी व्याकुल हो गई इस युद्ध को देखकर कि युद्ध समाप्त करके जो राम जी आए उनको जाकर भाग कर आलिंगन किया सीता जी सबके साथ। अब ये तीसरा आलिंगन हुआ इसी प्रवचन में, लेकिन ये आलिंगन राम जी ने नहीं बल्कि सीता जी ने आकर राम जी को दिया। तम दृष्ट्वा शत्रुहंतारं महर्षीणां सुखावहं बभूव हृष्टा वै देही भक्तारं परिशस्वजे। क्यों किया ऐसे सीता जी ने? अभी भारतीय नारी ऐसे करती नहीं है, सबके सामने थोड़ी ना जाकर अपने पति को आलिंगन करती है। आज भी थोड़ा कुछ लगता है, लज्जा, ऐसा नहीं करती है। और सीता जी तो स्त्री श्रेष्ठ है और सारे ऋषि लोग उधर सामने थे, फिर भी ऐसा क्यों किया, क्यों किया करके पूछा जाए तो उसका एक स्वारस्यमयी रहस्य है। कहते हैं इसी श्लोक में वाल्मीकि भगवान कहते हैं कि तम दृष्ट्वा शत्रुहंतारम महर्षीणाम सुखावहम, उस शत्रुहंता पति को देखकर जिसने महर्षियों को सुख दिया, सीता जी ने आलिंगन किया, ऐसा बोला गया है। महर्षि को सुख देने वाले पति को आलिंगन किया। तो इस आलिंगन का ये अर्थ था कि मैं आपको अभिनंदन देती हूं कि आपने महर्षियों को सुखी किया। किन महर्षियों को सुखी किया? उन महर्षियों को जिन्होंने भगवान राम के पास शरणागति किया। अब थोड़ी देर पहले सीता जी ने इसके विरुद्ध कुछ कहा था, ऐसे कहा था कि राक्षसों का वध ना करो, लेकिन अब वो उसी बात के लिए खुश हो रही है क्योंकि वध करने की वजह से किसी का भला हुआ है, इन महर्षियों का भला हुआ है। लेकिन बस बात इसके साथ नहीं रुकती है। महर्षियों का भला हुआ सिर्फ इन महर्षियों का नहीं, बल्कि उन महर्षियों का भी भला हुआ जिनका वध किया गया है। अब ये कौन सी कहानी है? ये एक कहानी अलग से है कि ये जो 14,000 राक्षस थे जिनका वध राम ने किया, वे असल में राक्षस नहीं बल्कि महर्षि थे। एक जमाने में वे ऋषि थे जो उत्तर प्रदेश में रहा करते थे और उत्तर प्रदेश में अकाल हो गया था, इसलिए उनको दंडक वन में आना पड़ा, जहाँ पर गौतम ऋषि ने उनको सहारा दिया और कहा कि बहुत देर तक आप लोग इधर रुक सकते हो, जब तक अकाल नहीं चला जाता इधर ही आप रुक सकते हो। और कई साल वे लोग इधर ही रुके रहे और कई सालों के बाद जब अकाल दूर हो गया और उनको वापस जाने का समय हो गया, तो कहते हैं कि इन ऋषियों के मन में ईर्ष्या भर गई कि एक ऋषि के पास इतना सारा पुण्य है, इतनी सारी शक्ति है कि वो हमको अकाल से बचा सका इतने देर तक, तो ऐसा कैसा हो सकता है। तो जब उनके मन में ईर्ष्या भर आई तो उन्होंने गौतम ऋषि से पाप करवाने की कोशिश की। अब गौतम ऋषि गोहत्या के पाप करवाने की कोशिश की, लेकिन दो गौतम ऋषि को इसके इस बात का एहसास हो गया और उन्हें लगा, तब बहुत खराब लगा उन्हें लगा कि इतने देर तक मैंने इन लोगों को सहारा दिया, आश्रय दिया और ऐसा ये लोग मेरे लिए सोचते हैं, तो ये ऋषि रहने के लायक नहीं, क्योंकि ईर्ष्या जलन जैसे स्वभाव ऋषियों को शोभा नहीं देती, राक्षसों को ही शोभा देती। तो ये सारे ऋषि अब राक्षस बन जाए, ऐसा शाप दिया गया उनको। और इस शाप से उनको तब मुक्ति मिलने वाली थी जब राम जी इस राक्षस शरीर से उनको मुक्ति दिलाएंगे। तो अब ये सारे ऋषि बच गए राम जी के इस राक्षस वध की वजह से। तो इन महर्षियों के सुख देने वाले राम को सीता जी ने आलिंगन किया। कहते हैं कि बस सीता जी के दिव्य दृष्टि को ये नजर आई कि जैसे जैसे एक एक राक्षस का वध होता रहा वैसे वैसे उस राक्षस से एक ऋषि का शरीर बाहर निकल रहा था और अपने स्थान पर पहुंच रहा था। तो महर्षि नाम सुखावहम, इन महर्षियों के सुख के लिए जो राम जी ने कार्य किया उसके लिए सीता जी ने अभिनंदन के रूप में अपना आलिंगन उनको दिया। और इसी के लिए, इस दृश्य को देखने के लिए राम जी ने लक्ष्मण को कहा कि तुम सबको रखकर इस दृश्य को दिखाओ, क्योंकि अगर लक्ष्मण दिखाते तो ही ये सब देख सकते थे इस पूरे दृश्य को, दिव्य दृश्य को, क्योंकि लक्ष्मण जो थे वे भागवतोत्तम थे और उस भागवतोत्तम के समीप होने के कारण इन ऋषियों को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, जिसकी वजह से उनको राम जी के इस राक्षस वध का असली कारण पता चला। देवी सीता को तो अपने आप पता चल गया, बाकी ऋषियों को लक्ष्मण जी की वजह से पता चला। तो ऐसा रहस्य भी हमको पता चलता है। इसमें और एक स्वारस्यमयी बात है कि बभूव हृष्टा वैदेही भर्तारम परिशस्वजे, ऐसा कहा है। वैदेही ने आलिंगन किया बोलते हैं। वैदेही मतलब कौन? विदेहराज की पुत्री। अब इसलिए ये बात कहा गया है क्योंकि सीता जी ने एक बात कह दी थी राम जी से, जब वे वनवास नहीं लेके जा रहे थे उसको, तो गुस्से से उसने कह दिया था कि स्त्रियम पुरुष विग्रहम, मुझे तो लगता है कि आप असल में एक स्त्री है पुरुष के रूप में, तो आप मुझे ले जाना नहीं चाहते वन में। लेकिन अब जाके राम जी ने दिखा दिया कि वो कितने बड़े महापुरुष हैं। और सीता जी ने तब ये भी कहा था कि मेरे बेचारे पिताजी ने आपसे ब्याह करा दिया, आपको महान सोचकर, पिता में मिथिलाधिपहा बोला था। तो अब ये वैदेही करके शब्द बोलकर वाल्मीकि ये जताते हैं कि सीता जी का मन ये बोलना चाहता था कि अब जाकर मेरे पिता को और गर्व महसूस होगा कि ऐसा दामाद उनको मिला है। तो वैदेही शब्द बोलकर सीता जी के ये मनोभाव को भी व्यतीत किया है वाल्मीकि भगवान ने। इस श्लोक को जल्दी से बोलने की कोशिश की है और बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन हमें आगे निकलना है तो आगे निकल जाते हैं अभी। इसके साथ साथ सीता जी के आलिंगन के पुरस्कार के साथ साथ बहुत खुश होकर राम जी और सीता जी रहने लगते हैं, लेकिन शूर्पणखा खुश नहीं है। और शूर्पणखा खुश नहीं है इसलिए वो अपने दूसरे भाई रावण के पास पहुंच जाती है लंका में। कहती है कि ऐसे राम ने मेरा अपमान किया और मैंने उससे जब युद्ध करने के लिए खर और दूषण को भेजा तो उनका भी अब वध हो चुका है, अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। पहले कहते हैं कि रावण को इतना कुछ स्वारस्य नहीं था राम से जाकर लड़ने का, जो भी है मनुष्य ही है ना, ऐसे कहकर तुच्छ समझा राम को। लेकिन जब शूर्पणखा ने ये कहा कि सीता नाम की एक सुंदर नारी है जो सिर्फ तुम्हारी बनने के लायक है, तो लालच भर गया रावण के मन में और वो निकल पड़ा सीता का अपहरण करने। उसने मारीच का साथ लिया उसके लिए। पहले तो मारीच ने नकारा, कहा कि मैं जानता हूँ राम का प्रताप क्या है, उसने मुझे समुद्र में फेंक दिया था बीज बनाकर रामायण के लिए, लेकिन अभी मैं बचकर आया हूँ तो मैं नहीं जाना चाहता वापस। तो रावण कहता है कि अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। फिर मारीच सोचता है कि रावण के हाथ से मर जाऊं, उससे अच्छा है कि राम के हाथ से मेरा वध हो जाए, तो मैं निकलता हूँ तुम्हारे सहारे के लिए निकलता हूँ बोलकर रावण के साथ वो निकलता है। माया मृग बनकर, स्वर्णमयी हिरण बनकर निकल जाता है और वो स्वर्णमयी मृग पंचवटी में घूमता है सीता जी के नजरों के सामने। सीता जी उसे पाना चाहती हैं तो राम जी को बेचती है और फिर राम जी निकल पड़ते हैं उस स्वर्णमयी मृग के पीछे पीछे। और जब वो मृग के पीछे निकलते हैं तो इधर से रावण देख रहा होता है कि कैसे घुस जाए उस पर्णशाला में और सीता का अपहरण करें। तब वो मृग को मारते हैं राम जी और वो माया मृग सीता लक्ष्मण कहकर राम जी का आवाज निकालकर अपना प्राण त्याग देता है। तो राम के आवाज को सुनकर सीता का मन व्याकुल होता है और वो लक्ष्मण जी को बेच देती है उनके पीछे पीछे। सीता जब अकेली रहती है पर्णशाला में तो रावण उस स्थिति का फायदा उठाकर उनका अपहरण करके निकल जाता है। निकलते निकलते जब पुष्पक विमान में जा रहा होता है तो जटायु से रावण का सामना होता है। जटायु जो है वो दशरथ जी का मित्र है, दशरथ जी के बचपन का दोस्त है। तो जब राम दंडकारण्य में पहुंचे तब भी जटायु से उनका परिचय हो गया था और राम को पुत्र की तरह पाल रहे थे जटायु। तो जब सीता का अपहरण हो रहा था तो जटायु ने बहुत कोशिश की रावण को रोकने की, लेकिन उस कोशिश में बस अपने प्राण को त्यागने की स्थिति तक वे चले गए, लेकिन अपने प्राण का धारण करते रहे राम जी को इस बात को बताने के लिए कि सीता का अपहरण रावण के हाथों हुआ है। तो जटायु का ऐसा हाल करके रावण आगे निकल जाता है और फिर जब वो कहीं उड़ रहा होता है तो सीता जी को पुष्पक विमान से कुछ बंदर नजर आते हैं नीचे। तो तभी वे अनसुया देवी के दिए हुए अपने जेवर को उतारकर, सारे जेवरों को उतारकर अपने साड़ी के एक छोटे से कपड़े में साड़ी फाड़कर कपड़ा बनाकर उन गहनों को बांधकर नीचे फेंकती है जो बंदरों के हाथ में मिलता है। और फिर वो पुष्पक विमान सीधा लंका पहुंच जाता है जहां पर अशोक वन में कैद किया जाता है सीता जी को। और रावण उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता क्योंकि उसको एक शाप है कि किसी पर स्त्री को उसके इच्छा के बिना वो छू लेगा तो उसका सर जो है वो 100 में फूट जाए। इसलिए वो सीता जी को कुछ करता तो नहीं है लेकिन सताता रहता है राक्षसियों द्वारा कि उसे वो स्वामी के रूप में स्वीकार ले। सीता जी बड़े ही खेद वाले परिस्थिति में वहां पर रहती है अशोक वन में। पीछे पंचवटी में क्या होता है ये देखते हैं। जब लक्ष्मण निकल पड़ते हैं राम से मिलने के लिए सीता के कहने पर, तो राम जी वापस आ रहे होते हैं, वो उस मृग को मारकर वापस आ रहे होते हैं। तब लक्ष्मण को सामने देखकर उनको बहुत भय महसूस होता है। कहते हैं कि तुम सीता को छोड़कर आए अकेले क्यों, मैंने तो तुमको उसे रक्षण करने के लिए कहा था। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं नहीं, भाभी का ही कहना था कि मुझे जाना ही चाहिए आपके पास, तो मुझे आना पड़ा। फिर जल्दी जल्दी दोनों जब पहुंचते हैं पर्णशाला में तो पता चलता है कि सीता जी वहां पर उपस्थित नहीं है। हर जगह जाकर हर पक्षी, हर मृग, हर वृक्ष, गोदावरी नदी, सबसे पूछते हैं राम की सीता कहाँ है। किसी से कोई जवाब नहीं मिलता। बस आगे जाते जाते जब जटायु मिल जाते हैं तो उनसे पता चलता है कि सीता जी का अपहरण हुआ है। कहते हैं कि तब जटायु का हाल ऐसा था कि कुछ ही क्षण वे प्राण धारण कर सकते थे। तो किंचित शब्दों में उन्होंने राम को कहा कि मेरे प्राण और सीता को हरने वाला रावण है, ऐसा बोल दिया। और बस इतना ही नहीं कहा, यह भी कहा, उनको तसल्ली दिलाया कि जिस मुहूर्त में सीता का अपहरण हुआ है उसका नाम विंदन है, और विंदन मुहूर्त में अगर किसी चीज का अपहरण हो जाता है, कोई चीज खो जाता है, तो वो अवश्य उसके स्वामी को वापस मिलता है, तो तुम्हें सीता अवश्य वापस प्राप्त होगी। यह कहकर अपने प्राण को त्याग देते हैं जटायु राम के अंक में, राम के बाहों में प्राण त्याग देते हैं। कहते हैं कि राम जी तब जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं। वो भाग्य जो दशरथ को भी नहीं मिला वो जटायु को मिलता है। इतना ही नहीं, जटायु को मोक्ष भी दे दिया राम जी ने। मया त्वं समनुज्ञातः गच्छ लोकान् अनुत्तमान, ऐसे कहते हैं, मैं आपको आज्ञा देता हूँ उस उत्तम लोक को पाने के लिए, मेरी आज्ञा की वजह से आप जा सकते हैं, ऐसा कहते हैं। अब इस बात को हमें याद रखना है क्योंकि आगे चलकर एक कहानी है इसके बारे में। तो भगवान ने मोक्ष दे दिया जटायु को। और आगे चलते हैं, चल के उनको कबंद नाम के राक्षस से पता चलता है कि अगर उनकी दोस्ती सुग्रीव नाम के वानर से हो जाए तो उनको सीता जी का मिलना आसान हो जाएगा। ये कबंद नाम का जो राक्षस है वो बिना सिर वाला राक्षस होता है और उसके दो हाथ काटने पर उसका उस शरीर से मुक्ति मिलने वाला होता है, जो राम जी कर देते हैं। और कबंद उसको ये खबर देता है कि आपको सुग्रीव नाम के वानर राज से मिलने से अच्छा होगा, आपका सीता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसके पहले और एक बात होती है कि शबरी नाम के स्त्री ऋषि से राम का भेंट होता है, जो भक्ति योग कर रही होती है और उनके भक्ति योग की वजह से वे मोक्ष में जाने वाली होती है, लेकिन वे भी रुकी हुई हैं राम जी से मिलने के लिए। इस शरीर में, इस चक्षुष से वो राम जी को देखना चाहती है इसके पहले कि वे मोक्ष में चले जाएं। तो राम जी आते हैं और फल मूल कंदों से राम जी का वो स्वागत करती है और राम जी के ही सामने वो मोक्ष पद में चली जाती है और वो इनके मोक्ष के साक्षीभूत रह जाते हैं। राम जी इस अवतार में शबरी को मोक्ष नहीं दे रहे। शबरी भक्ति योग से नारायण जी से मोक्ष पाकर चली जाती है, इसके साक्षीभूत रह जाते हैं राम जी। और फिर जाते जाते पंपा नदी के तीर में पहुंच जाते हैं। पंपा नाम की एक नदी होती है जिसके तीर में पहुंच जाते हैं। वहां पर ऋषिमुख नाम का पर्वत होता है और इस पर्वत पर जब राम पहुंचते हैं तब वो सारा दृश्य देखकर उनको सुकून मिलता है, मन में लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है अब। तब उस पर्वत में स्थित मतंग ऋषि के आश्रम में ये सुग्रीव नाम का वानर राज रहता है और उसको दिख जाता है कि दो ऐसे युवा यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो कि ऋषियों के वेश में हैं, लेकिन दिखते तो कुछ और है। वैसे आचरण से तो वे राजकुमार जैसे लगते हैं, उनकी चाल वगैरह ऐसी ही लगती है, उनकी गंभीरता, लेकिन ऋषि मुनियों का वेश धारण किए आ रहे हैं तो पता नहीं ये कौन है। अब ये जो सुग्रीव है उसकी अलग परेशानी है, उसका भाई वाली उसका दुश्मन था, तो उसको हमेशा डर रहता था कि कोई बाली का ही आदमी इसको मारने के लिए आ रहा है। तो इस डर के मारे सुग्रीव अपने सचिव, अपने मंत्री हनुमान को ये पता करने के लिए भेजता है कि ये दोनों कौन है। और यहाँ पर हमारे रामायण के और एक नायक हनुमान की एंट्री होती है। हनुमान जी पंपा के तीर पर आकर मिलते हैं राम और लक्ष्मण से और बहुत सुंदर बात करते हैं। सुंदर बात मतलब ऐसी बात करते हैं कि बस किसी को लगेगा कि वे सुनते रहें उस बात को। नव व्याकरण पंडित कहा जाता है हनुमान को। वो इस तरह से बात करते हैं कि राम और लक्ष्मण को कुछ संदेह भी नहीं आता कि इनका जासूसी करने के लिए वो आए हैं और उनके बारे में सब कुछ इनको बता दे, ऐसा मन भी करता है। इस तरह से वे सवाल करते हैं। तो तब जब पूछते हैं हनुमान राम और लक्ष्मण से, तो राम और लक्ष्मण उनको सारी कथा बता देते हैं कि वे क्यों इधर पहुंचे हैं, कैसे वे दशरथ के राजपुत्र थे और कैसे कैकेयी के दिए हुए वर्ग को पूरा करने के लिए वो वन में पहुंचे थे और कैसे वहां पर सीता का अपहरण हो गया और उसको ढूंढते ढूंढते वानर राज सुग्रीव से मिलने की आकांक्षा रखते घूम रहे हैं। और तब उनको पता चलता है कि हनुमान जो है वो वानर राज सुग्रीव का ही मंत्री है। तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और हनुमान जी सुग्रीव का भेंट कराते हैं राम से और राम और सुग्रीव की दोस्ती हो जाती है। और सुग्रीव कह देता है कि मेरी भी दशा कुछ आपके जैसे ही है, मैं भी पत्नी ही नहीं हूँ, मेरा भाई जो बाली है वो मेरी पत्नी को ले गया, राज्य से मुझको भगाकर मेरी पत्नी को ले गया। ऐसा हुआ था कि एक बार एक मायावी नाम का राक्षस आया वाली को ढूंढते ढूंढते, मतलब उसको ललकारते हुए आया झगड़े के लिए, युद्ध के लिए, और उस युद्ध को करते करते वाली किष्किंधा राज्य के बाहर आ गया और मैं भी उसके साथ साथ आया। भाई होने के नाते मैं अपने भाई से इतना प्यार करता था कि वो कहीं भी जाता मैं उसके पीछे पीछे जाता। और उनका जो झगड़ा था वो एक गुफे के अंदर जाकर शुरू हो गया और फिर मुझसे वाली ने कहा कि इस गुफे के अंदर अब इस झगड़े का अंत हो जाएगा, या तो मैं खत्म होऊंगा नहीं तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके पहले कोई बाहर नहीं आएगा। तो तुम ऐसा करो कि इस गुफे के बाहर रहकर बस गुफे की रक्षा करो, किसी को अंदर मत जाने देना। तो पहरा देकर सुग्रीव खड़ा हो गया। कहते हैं कि 1 महीने तक बिना खाने पीने की सुग्रीव उधर ही खड़ा था, और 1 महीने बाद एक रक्त की नदी बाहर आई उस गुफे से। तो सुग्रीव को बहुत डर लगने लगा कि शायद बाली का वध हो गया हो, क्योंकि अंत में उसने बाली का आवाज सुना, तो उसको लगा कि शायद बाली का वध हो गया और उसकी रक्त की नदी बह रही है। तो उसको डर लगा कि वो मायावी राक्षस बाहर आकर किष्किंधा नगरी को, उनके नगरी को ध्वंस कर देगा। तो इसके डर से उस गुफे के मुख को उसने बड़े से पत्थर से ढक दिया और चला आया अपने राज्य में। कह दिया लोगों से कि ऐसा बहुत दुर्भाग्य से हमारे राजा बाली का वध हो गया है। तो तब सभी लोगों ने कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अभी राज्य को राजा के बिना नहीं रहना चाहिए, तो तुम अब राज्य पदवी को स्वीकार करो, राजा बन जाओ, कहकर सुग्रीव का पट्टाभिषेक कर दिया। जब पट्टाभिषेक किया तो ऊपर से पुण्य नदियों का तीर्थ बहाते हैं मुकुट के ऊपर से, उस मुकुट के ऊपर से तीर्थ बहा रहे थे तो वहां पर बाली प्रकट हो गई। और इतना गुस्से में था वो कि उसने जाकर अपने गधे से सुग्रीव को हटा दिया, सिंहासन से हटाया। तो सुग्रीव जाकर बाली के चरणों में गिरा, उसके मुकुट का जो पानी था उसके पैर में जाकर गिरा और बोला कि कितना खुश हूँ भैया मैं आपको देखकर, आप आ गए, मेरा सौभाग्य है, इन लोगों ने मुझे राजा बना दिया, लेकिन आप आ गए तो अभी आप ही राजा हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। तब बाली ने सुग्रीव को लात मारा और कहा कि किससे किससे कह रहे हो तुम, मुझे पता है तुम्हारा ये चाल था कि मुझे गुफे के अंदर बंद करके खुद राजा बन गए। सुग्रीव ने अनेक तरह के प्रयास किए बाली को समझाने का, लेकिन बाली नहीं समझा और उसको माफ नहीं किया, उसने उसको भगा दिया। और सिर्फ अकेले नहीं भगाया, बल्कि जो भी उसके पास था सब कुछ छीन कर भगाया, उसके पत्नी के साथ, उसकी पत्नी को भी छीन लिया और भगा दिया। वो भागता रहा, ये उसको भगाता रहा, पीछे पीछे उसको चेस करता रहा। फिर अंत में जाके ये मतंग ऋषि के आश्रम में आश्रय लिया सुग्रीव ने। मतंग ऋषि के आश्रम में बाली को आने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि कुछ शाप था बाली के ऊपर मतंग ऋषि का। तो इस इलाके में, मतंग ऋषि के इलाके में, जो कि ऋषिमुख पर्वत था, बाली प्रवेश नहीं कर सकता था, इसलिए सुग्रीव उधर था। ये पूरी कथा सुग्रीव ने सुनाई राम को और कहा कि मेरी मदद आप ही को करना है बाली से मेरा राज्य और मेरी पत्नी वापस पाने में। और फिर राम जी भी कहते हैं कि तुम्हें ही मेरी मदद करनी है मेरी पत्नी सीता को वापस पाने में। तो दोनों अपनी मैत्री को पक्का करते हैं, एक आग को जलाते हैं और उससे परिक्रमा करके मैत्री दृढ़ कर लेते हैं। और फिर सुग्रीव कहते हैं कि ऐसा हुआ है कि कुछ दिन पहले मेरे वानरों को किसी स्त्री के डाले हुए जेवर मिले। ये वही वानर थे सुग्रीव के साथ आए हुए 4-5 वानर, जिनके हाथ में सीता जी के वे जेवर मिल गए थे। तो जब वे जेवर दिखाए राम जी को, तो राम जी बहुत भावुक हो गए और रोने लगे, जेवर को देखकर रोने लगे। और फिर लक्ष्मण को दिखाया और बोला कि हे लक्ष्मण देखो, तुम्हारी भाभी के ही जेवर है ना ये, करके। तो तब लक्ष्मण जी ने कहा, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरे त्वभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। मैं इनके केयूर को नहीं जानता, कुंडलों को नहीं जानता, सिर्फ इनके पायल को जानता हूँ, नूपुर को जानता हूँ, क्योंकि रोज उनके चरणों में मैं वंदन करता था, करके कहते हैं। सारे कैसे सीख दिखाता है रामायण अपने को, ये देखना चाहिए। बड़ों को आदर के साथ कैसे प्रणाम किया जाए, ये भाभी देवर का रिश्ता कैसा होना चाहिए, पवित्र, सब दिखता है हमको। तो ऐसे कहते हैं, फिर दोनों मैत्री कर लेते हैं। तो पहले राम जी कहते हैं कि अब मैं आपकी मदद करता हूँ, तो बाली का वध करने का ठान लेते हैं। कैसे बाली का वध किया जाए इसके बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कैसा होता है ये वध, ये हमें कल ही देखना पड़ेगा। और बाली वध से लेकर रावण वध तक कल हो जाएगा। एवमेतत् पुरावृत्तम आख्यातम भद्रमस्त्वः प्रव्याहृत विश्रब्धम बलम विष्णो प्रवर्धताम। मंगलाशासन परै मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्य सत्कृतायास्तु मंगलम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाप्तये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम मंगलाशासन परै मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्य सत्कृतायास्तु मंगलम। कवितार्किक संहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।